अर्चना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। जय हिंद गुरु जी से बात करानी थी। जी। गुरु तो नहीं हूँ मैं, तो मामूली सा आदमी हूँ। बताइए क्या सवाल है, जी बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है जी, मेरे को बीपी रहता है। बीपी रहता है जी। बीपी सर, उम्र कितनी है आपकी? 52 साल जी। अच्छा, देखिए ब्लड प्रेशर से निजात मिल सकती है, लेकिन 6-7 महीने लगातार अगर आप एक तो उसका मैं बता रहा हूँ वो लें, तो एक आता है कलौंजी का सिरका, सिरका कलौंजी का वो ले लें आप, और 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें, और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला दें, मिक्स करें, और सुबह नाश्ते के बाद ये पी लिया करें, और रात को खाने के बाद इसी तरह 2 बार, दो दो चम्मच या तीन तीन चम्मच भी ले सकते हैं कलौंजी का सिरका। असली लें, नकली ना ले लें, नकली भी बहुत मिलते हैं। अगर ये आप 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें और अपनी दवाएं भी ना छोड़ें एकदम, तो धीरे धीरे आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। जी नमस्कार सर। नमस्ते जय हिंद दीपक जी, आपका स्वागत है। जी सर जी, अभी मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था, तो मतलब हमारी मम्मी के लिए तबीयत खराब थी, तो आपने दवाई बताई थी, तो उसके बाद मैं नागपुर गया था, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो एंडोस्कोपी वगैरह हमने कराया, तो सर उसमें क्या है कि जो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को एसिडिटी बनती है, तो होता ये है सर कि क्या है कि वो खाना खाती है थोड़ा भी, और फल फ्रूट सब खा लेती हूँ, मतलब पेट भर के नहीं खा पाती, थोड़ा सा खाती हूँ कभी पेट भर गया, और जैसे खाना दो चार को खाती हूँ तो उसको उल्टी टाइप का निचली टाइप का लगने लगता है, तो हमने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें कह रहे हैं कि एसिडिटी बनती है, तो सर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैं दूसरों की दवाइयाँ भी देता हूँ आपकी, तो उसमें आपने बताया था एलोवेरा का सिरका, तो सर उसमें प्रॉब्लम ही आ रही थी, एलोवेरा का सिरका आपने बताया था कि जितने भी सिरके होते सब होते ठंडे, और हमारी माता जी क्या है कि थोड़ा सा ठंडा वगैरह कुछ खाते हैं तो सर्दी मतलब शीत निजात की है, सर्द निजात की, तो इसमें सर एक चम्मच जैसे 2 चम्मच एलोवेरा का सिरका देना है, तो 2 चम्मच लहसुन का जूस और 2 चम्मच अदरक का जूस मिला के दे जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम ऐसी होती कि चली जाएगी सर, खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ठीक है। ठीक तो देखिए, आप दूसरों को नुस्खे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती, जिनको नहीं चलती उन्हें ना दें। ये इस तरह देकर देख ले आप, लेकिन अगर नहीं चले तो एक अलग से नुस्खा, जिन लोगों को सिरके यूज़ नहीं कर सकते, जो लोग किसी कारणवश, तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं, और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपके पास लिखे हुए होंगे मेरे नुस्खे, क्योंकि आप लोगों को भी देते हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, मेथी का दाना लें, और ये 1 चम्मच उनको खिलाएं पाउडर, और ये पानी 1-2 गिलास पानी में जो आपने नमक, जैतून और ये खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिला, ये पिला दिया करें दिन में बस एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, तो ये काम वही करेगा, और उनका हाजमा अच्छा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पे काम करता है, कहीं वर्म होता है तो उसे निकालता है, कहीं हजम ठीक नहीं हो तो हजम ठीक करे, मैदे की
मैं अगर वर्म हो, लीवर पे वर्म हो, आंतों में वर्म हो, बवासीर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, एक तो ये भूख ना लगने का कारण क्या है, और जो लोग सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, तो क्या वो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, या कोई नुस्खे ऐसे जिन्हें वो अपना लें? देखिए, दुनिया में दो ही तरह की दवाएं होती हैं जी, एक तो फौरन फायदे की और एक होती है मुस्तकिल फायदे की। जी, फौरन फायदे की दवाएं एलोपैथिक मानी जाती है, बिल्कुल, इधर दर्द हुआ इधर खा इधर ठीक, एक घंटा ज्यादा और पेट भूख नहीं लग रही, एक गोली खाई भूख लगने लगी। जी, लेकिन यूनानी दवा वो लोग कर सकते हैं जिनको हमेशा के लिए फायदा करना हो, कल को फिर चाहिए वो गोली, परसों, मतलब जिंदगी भर चाहिए। और यूनानी जो इलाज है ये सिस्टम को वैसा करता है जैसा होना चाहिए। लीवर फंक्शन अगर कमज़ोर पड़ गया है तो ये उसे फास्ट करता है, वो फास्ट होता है तो भूख लगती है, लीवर सुस्त नहीं होना चाहिए, फिर मैदा सुस्त हो जाता है, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, आते कमज़ोर पड़ जाती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, तो ये उस सिस्टम को ज़रूरत के बराबर लाकर आपको छोड़ता है। तो ये अगर फौरन तौर पर कुछ फ़ायदा आपको चाहिए तो फौरन वो एलोपैथ ले सकते हैं, और अगर मुस्तकिल तौर पर चाहिए तो यूनानी दुनिया का बेहतरीन इलाज हो सकता है। अगले कॉलर हैं सचिन जी, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो मैम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, सचिन जी। सर बताइए, स्वागत है सर आपका। जी मैम, मैम मुझे ये पूछना था, अभी अभी मैंने ये डिलीवरी बॉय देखे गया, गोंद सिया हमने मंगवाई थी, तो पापा के हमारे ऐसे जोड़ों में दर्द वगैरह, बैठने उठने में हल्का फुल्का दर्द, मतलब ऐसे होता है चलने वलने में, और प्रोस्टेट वोस्टेट भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उसमें ये सब ले सकते हैं ना? ठीक है जी। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि इसको कितना लेना है और कैसे लेना है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये गोंद स्याह आप तक पहुंचा, इसका पाउडर बना लें, और इसकी जो तादाद है एक वक्त में आधा ग्राम है, आधा ग्राम आप समझ सकते होंगे, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आधा ग्राम यानी जो बड़ा वाला चना आता ना, काबली चना, उतना एक वक्त में लेना है। लेना ऐसे ये क्योंकि गम है, कड़वा बहुत है, तो मलाई में मिलाकर ले सकते हैं, देसी घी में मिलाकर ले सकते हैं, किस चीज़ में मिला लें ना तो आसानी से चला जाएगा, नहीं तो मुंह में चिपक जाता है और कड़वा बहुत होता है, या शहद में मिलाकर ले सकते हैं, किसी भी तरह इतना लेना है, और ग्राइंडर में ये पाउडर बन जाता है, पहले ऐसे हल्का सा तोड़ लें और फिर उसमें डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं, मोटा रहेगा तो अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक ना करें, और ये दो बार लें खाने के बाद लें, और पानी से या कम चर्बी के दूध से लें, और ये आपके जोड़ों के दर्द, नसों के दर्द और दूसरे कहीं भी दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, मोढ़े में दर्द, कहीं भी दर्द हो ये उसको चूस लेता है, और ये 100 ग्राम ही इतना ताकत रखता है ये रॉ मटेरियल के अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। भगवान पर भरोसा करें, इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत दयावती जी आपका। थैंक यू भाई साहब। कैसे हैं और भाभी कैसी है और हमारी भतीजी या कैसी है? सब थोड़ा थोड़ा बीमार हैं। मैं भी बीमार हूँ, मुझे बुखार वगैरह आ गया है, कभी कभी खांसी भी आ रही है, लेकिन वो मैंने सोचा अपने बहन से बात करूँगा, अपने फीवर से बात करूँगा, शायद ज़्यादा तबीयत अच्छी हो जाएगी, इसलिए हाजिर हो गया, नहीं तो कोई आने नहीं दे रहा था। अच्छा करा भाई साहब, और सब मन हो जाएगा सबसे बात कर कर, हमें भी लगता है तो कहीं भी बात कर ले, पर साधना चैनल पे लगता अपना घर परिवार है।
और मेरे भाई है शैलजा बेटी है। और भाई मैं एक दो बात पूछना चाहती हूँ। एक तो शुगर वाला जो ये जामुन का गोंद लेता है तो ये चिलगोजा गोंद भी साथ में ले सकते हैं? हाँ ठीक है। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल ये है भाई साहब, एक भाई है 60 साल के तो उनको खून नहीं बनता, तो उनके लिए मैंने गोंद मोरिंगा और ये सभी स्थान उन्नाव अलसी और ये पीपली पीस के ये चूरण बनाया है, तो ये उनके लिए अच्छा है। और यूनिटी भी थोड़ी कम है, मतलब उनकी जुकाम खांसी नहीं है पर यूनिटी कम है। और जैतून का सिरका भी ले सकते हैं क्या? मैं पूछ रहे थे कि मेरे लिए पूछना। जी जी। और तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल ये है भाई साहब, ये इसके पत्ते बताते हो ना आप गुल्लर के, तो इनका मैंने चूरण बना के साफ करके सुखा के बड़ी मेहनत लगती है भाई साहब, बहुत और बना के ये पथरी वाला 1 चम्मच और जैतून का नमक डाल के और मीठा सोडा डाल के और ये सुबह सुबह 1 हफ्ते तक ले ले तो किडनी की पथरी के लिए नुस्खा ठीक बना है। देखिए आधा चम्मच दें पाउडर इसका, और वो आप दे पहले, ये तो मैंने बता दिया, मैंने तो शुरू से आपको नुस्खे बताए, आपने उनको इस्तेमाल किया, फ़ायदा हुआ तो बताया, तो ये किसी पथरी वाले को दें, 1 दिन से 10 दिन तक दे सकते हैं। 2 गिलास पानी, 1 नींबू और 1 नमक जैतून 1 चुटकी, ये देकर देखें आप, आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। जिसको दे दिया उसको फ़ायदा हो, वो 100 लोगों को बता देता है, कहीं ऐसा ना हो आप और भाई और सारे परिवार वाले परेशान हो जाएं। ये अक्सर गांवों में लोग मुफ्त में देते हैं नुस्खा और पैसे भी ले लेते हैं। अब मुफ्त में तो सबको चाहिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके दरवाजे पर सुबह ही लाइन लगा करेगी, क्योंकि ऑपरेशन से बचने के लिए और पथरी से निजात पाने के लिए ये अच्छा नुस्खा है, दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है। लेकिन इसको साबित आप ही करेंगे जब किसी पथरी वाले को देंगे, और फिर वो उसे खाकर सोनोग्राफी कराएगा, एक तो तकलीफ चली जाती है, फिर वो उसे साबित करना हो देखना हो तो फिर सोनोग्राफी कराएगा तो पथरी आती ही नहीं है। बहरहाल ये तो इसकी बात हो गई। दूसरा वो नुस्खा, इम्यूनिटी का नुस्खा तो किसी को भी दे सकते हैं, और उसमें जो सिरका है वो दें उन्हें 2 चम्मच कम से कम, नमक जैतून दें 1 चुटकी, तो उससे उनको खून बनने लगेगा, इम्यूनिटी आ जाएगी और फिर वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जामुन का गोंद और चिलगोजा गोंद एक साथ? हाँ मुमकिन हो तो एक साथ ना लें, अलग अलग लें, और बहुत ज़रूरी हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ लेना ज़रूरी ना हो तो ना लिया करें। एक ले लें चाहे 2 बार लें, लेकिन एक ही लें ज़्यादा फायदे के लिए। नैनीताल से है रजत, स्वागत है आपका। हेलो जी हकीम साहब, मेरा आदाब। मेरा भी आदाब, स्वागत। और मेरा सवाल ये था, मैंने बहुत किया गया था आपसे। मैम नमस्कार, हकीम साहब को मेरा आदाब। जय हिंद। मैंने बहुत किया मंगाया था और उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं जी। वो मेरे मुझे मिला है करीब 15-20 दिन हो गए हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसी तबीयत? और मेरा जो बीमारी थी ये गंजराहट और सुन्न हो जाते थे पाँव, वो करीब करीब आधे हो गए हैं, आधे ठीक हो गए हैं, आधा और रह गया है। मैं उसका इस्तेमाल 3 महीने तक करने के लिए बताया था, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक जी। हाँ देखिए भगवान आपसे बड़ा खुश है, 15 दिन में आपको की बीमारी को आधा कर दिया, और ये गौंसिया असली मिलने का
नतीजा है और आपका भरोसा करने का नतीजा, भरोसा रखा करें। और देखिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ उसका असली मिलना ज़रूरी है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपको आधी बीमारी अच्छी हो गई 15 दिन में। मैं भी ताज्जुब में हूँ। तो भगवान के जो बहुत करीबी बंदे होते हैं ना, उनको ऐसे ही फ़ायदा होता है। हालांकि मैं कहता हूँ 2-3 महीने खाना है। अच्छा, आप पहले भी अच्छे हो जाएं तो आप ये छोड़ना नहीं। और वही तो बातें, दो अनुरोध आपसे कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, वज़न ना उठाएं, और जब भगवान आपको फ़ायदा दे तो इसका फ़ायदा अपने तक सीमित ना करें, अपने से आगे बढ़ा दें। कुछ और आपसे, जैसे ये आपसे भी ज़्यादा तकलीफ में लोग होंगे, ये उन तक भी पहुंचा दें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आप सम्मान करते हैं तो आगे बढ़ाइए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जी।